सुप्रभात बच्चों, मैं राखी आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 की अध्याय 7 और चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या है कि नाम इतना इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे संज्ञा, नाम सबको हम लोग संज्ञा बोल रहे हैं और संज्ञा के स्थान पर आने वाले सबको ही हम लोग सर्वनाम बोलेंगे। तो किस तरह से सो देखते हैं। सुचित्रा और प्रिया सखियां हैं। सुचित्रा और प्रिया एक ही विद्यालय में पढ़ती है। सुचित्रा और प्रिया की नृत्य में रुचि है। तो यहाँ बार बार हम लोग क्या ला रहे हैं, सुचित्रा और प्रिया। देखो एक बार इस्तेमाल हुआ, फिर यहाँ दोबारा, फिर ये दोबारा तीसरा बार हम इस्तेमाल किए सुचित्रा और प्रिया। तो इसको बार बार प्रयोग करने से क्या हो रहा है, वाक्य सा जो भी बना रहे हो अटपटा सा सुनने में लग रहा है, लेकिन इसको सुंदर करके कैसे बना सकते हैं। सुचित्रा और प्रिया सखियां हैं, वे, यहाँ पर वे हो गया सर्वनाम सर्व, संज्ञा के बदले आए हुए सब, एक ही विद्यालय में पढ़ती है। उनकी नृत्य में रुचि है। तो यहाँ उनकी हुआ एक सर्वनाम सब। उसी तरह से और उदाहरण देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, मेहुल चतुर्थ कक्षा में पढ़ता है। मेहुल एक अच्छा खिलाड़ी है, मेहुल ने खेलों में खूब नाम कमाया है, मेहुल को चित्रकारी का भी शौक है। यहाँ बार बार मेहुल आ रहा है, इससे अच्छा हम बोल सकते हैं मेहुल चतुर्थ कक्षा में पढ़ता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, उसने खेलों में खूब नाम कमाया है, उसे चित्रकारी का भी शौक है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। कौन सा किए शब्द में वे लाए हैं, है ना, वे एक ही विद्यालय में पढ़ती है, उनकी उनकी नृत्य में रुचि है, उन्हें, वो, उसने, उसे, को, ये सब क्या हो गया, ये सब सर्वनाम शब्द है, आर संज्ञा के बदले में आ रहे थे, इसको सर्वनाम शब्द कर रहे हैं। तो आज का डेफिनेशन क्या मिला, आज का डेफिनेशन ये मिला जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये हुआ मेन डेफिनेशन, जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और देखो यहाँ पर वो खाना खा रहा है और वो खाना खा रही है, तो यहाँ पर वो सर्वनाम शब्द, ये दोनों सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है और स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से मैं स्कूल जाऊंगा पुल्लिंग, मैं स्कूल जाऊंगी स्त्रीलिंग, दोनों ही में ही वह और मैं क्या हो रहा है, अतः वह और मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से हुआ है। प्रयोग पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग दोनों में वो और मैं का इस्तेमाल हुआ दोनों में। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के दो वचन होते हैं, है ना, अब लिंग पढ़ा है, अब सर्वनाम वचन आए, वचन में दो वचन, एक वचन, दो वचन होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या हो गया, एक वचन में आ गया मैं, वह, तू, और बहुवचन में आ गया हम और वे, हम, वे और तुम। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मैं आज खेलने जाऊंगा, है ना, मैं आज खेलने जाऊंगा, और अगर बहुवचन में इसको बोलेंगे तो हम आज खेलने जाएंगे। इसी तरह से एक वचन और बहुवचन का इस्तेमाल हुआ। और वो सो रहा है, वे सो रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन का इस्तेमाल इस तरह से हुआ क्रिया के प्रयोग के ऊपर। और इस तरह और एक उदाहरण है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग छह प्रकार से किया जा सकता है, जैसे बोलने के लिए, सुनने के लिए और जिसके संबंध में बात की जाए, जैसे बोलने के लिए कैसे मैं, हम, मुझे आदि, सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप। तो यहाँ उदाहरण अगर देते हैं बोलने के लिए मैं, हम और मुझे, बोलने के लिए क्या होगा, जे हम आज चिड़ियाघर जाएंगे, हम आज चिड़ियाघर जाएंगे, मुझे भी कुछ, जैसे मुझे है, मुझे भी कुछ कहना है। और सुनने वाले के लिए क्या होगा, जैसे तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, आप अपना काम,
उसे, जैसे वो आज विद्यालय नहीं जाएगा, यहाँ पर वो क्या होगा, वो हमें क्या इस्तेमाल किए, वो आज विद्यालय नहीं जाएगा, उसे उसे कोई जरूरी काम आएगा, है ना, उसे कोई आज जरूरी काम होगा, इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं संबंध में। दूसरा नंबर पॉइंट आया निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए, जैसे वह या, जैसे क्या बोल सकते हैं, यह घर किसका है, यह चित्र सुंदर, वह चित्र सुंदर है, तो ये वह और यह का इस्तेमाल हुआ, यह वह निश्चित, निश्चित बता दीजिए यह घर किसका है, तो नाम होगा किसी का, वह चित्र सुंदर है, कोई पर्टिकुलर एक निश्चित वस्तु के ओर बात किया जा रहा है। अब चलते हैं अनिश्चित वस्तु और व्यक्ति के लिए, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए, जैसे कोई और कुछ आदि, देखो बाहर कोई आया है ना, देखो कोई बाहर आया है, दाल में कुछ पड़ गया है, तो ये हुआ अनिश्चित, है ना, कोई कोई भी कुछ प्रश्न पूछने के लिए, जैसे क्या कौन कहाँ आदि, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए कैसे, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा मतलब इसमें सर्वनाम के साथ उसका संबंध, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक आया कर्ता, कर्ता के निजत्व प्रकट करने के लिए, जैसे स्वयं खुद अपने आप आदि, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह प्रश्न तुम खुद खुद हल करो, है ना, यह प्रश्न तुम खुद हल करो। तो आज हमें क्या मिला, आज हमें यही मिला कि जे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिए क्या हो रहा है, लिंग नहीं बदलते हैं, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। जैसे बताए थे मैं आज खेलने जाऊंगा, हम आज खेलने जाएंगे, और वे के लिए वे, वह सो रहा है और वे सो रहे हैं। और एक हुआ सर्वनाम शब्द का प्रयोग छह प्रकार से किया गया, छह प्रकार से कैसे कैसे, जैसे सर्वनाम को छह भेद किए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, और पुरुषवाचक को भाग किया गया है तीन हिस्सों में, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे घर पे बनाइए और याद कीजिए इस चैप्टर को। धन्यवाद।